जैसे चैतन्य में आत्मा में सर्वश्रेष्ठ तीर्थंकर परमात्मा होते हैं, जैसे भावों में श्रद्धा का भाव, ज्ञान में केवल ज्ञान, चरित्र में यथाख्यात चरित्र, तप में ब्रह्मचर्य, वैसे ही पदार्थ का श्रेष्ठतम स्वरूप, उत्कृष्ट वर्ण गंध रस स्पर्श, जहां शुभ लेशा का एहसास हो जाए, जहां केवल शुभ परमाणु का ही स्पंदन हो, ऐसी दिव्य रचना को समोषरण कहते हैं। इस दिव्य समोषरण की रचना में तीर्थंकर परमात्मा का सर्वजन कल्याणकारी देशना को सर्व भाषा में एहसास कराने का सामर्थ्य तीर्थंकर नाम कर्म के पुण्यातिशय के कारण से ये तीर्थंकर परमात्मा का पुण्य का ही, उनके अंतराय कर्म के क्षय का ही, सारे जीवों के मंगल की भावना से भावित कर करके कि भी पिछले जन्मों की इस जन्म की साधना का ही परिणाम कि देवता एक ऐसी संरचना है कि जिस संरचना में सहभागी होकर देवता भी स्वयं को गौरवान्वित महसूस करते हैं। ऐसे दिव्य समोषरण की अपने अंतर की चेतना में, अपने अंतर के भावों में श्रद्धा बहुत के साथ वो गहराई से अनुभूति करने के लिए स्वयं को समर्पित करें, स्वयं की श्रद्धा को, स्वयं की भक्ति को जागृत करते हुए अंतर की श्रेष्ठता की भावना, अपना सारा सामर्थ्य जागृत करते हुए गहरी से गहरी अनुभूति करने का जो सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य को जगाते हुए महसूस करें दिव्य समोषरण को एक विशाल सारी दिशाओं को अपने में समेटता हुआ, सारे भविजनों को अपने में समाविष्ट करता हुआ दिव्य समोषरण, चांदी का परकोटा है, विशाल सुवर्ण के प्रवेश द्वार, स्फटिक की पंक्तियां, सुवर्ण का परकोटा, मणि रत्न के तोरण द्वार, रत्नों से बना हुआ परकोटा वैडूर्य मणि रत्न के तोरण द्वार प्रवेश द्वार, केंद्र में शिखर पर दिव्य सिंहासन, स्फटिक सिंहासन, रत्नों से जड़ा हुआ सिंहासन, और सिंहासन पर विराजमान है परमपिता प्रभु महावीर, कंचन वर्णी काया, अमृत बरसाती हुई पावन आंखें,
भयभीत जनों को अभय का वरदान देते हुए पावन चरण दिव्य वक्ष स्थल पर देदीप्यमान श्रीवत्स बलेन्द्र चमरेन्द्र चवर ढुलारे छत्र त्रय सिंहासन की चारों ओर 12 प्रकार की परिषद गंधर साधु साध्वी श्रवण श्रमणिया श्रावक श्राविकाए देव देविया नर नरेंद्र पशु पंछी सबको शीतलता का एहसास कराता हुआ अशोक वृक्ष विश्व को गुंजित करते हुए देवदंडवी सर्वतो भद्र सर्वोदय धर्म चक्र आसमान में लहराती हुई शासन ध्वजा देवताएं फूलों की वृष्टि कर रहे हैं उस पावन पवित्र माहौल में परमात्मा की भक्ति की इन अनुभूतियों के पलों में अनादि काल से जिसके बंधन में बंधे हुए जिसको बांधते ही चले जा रहे ये बहुत गहरा सवाल हो सकता है कि कर्म हमको बांधते कि हम कर्मों को बांधते हैं। परमात्मा ऐसा फरमाते हैं कि कर्म किसी को बांधते नहीं है, हम ही कर्मों को बांधते हैं। ये गणित वैसा ही है कि अपने ही बंधनों में हम बंधे हुए हैं। कर्म तो जड़ है, कर्म तो पुद्गल है, जैसे माइक है, जैसे स्पीकर है, पट्टा है, वैसे कर्म के परमाणु है, एटम्स है। 8 प्रकार के एटम, 8 प्रकार के परमाणु परमात्मा ने फरमाए, उसमें से एक परमाणु की जाति है कर्म की, पर उनमें बांधने का सामर्थ्य नहीं है, वे नहीं बांध सकते। जैसे आप रसोई करते हैं, उन पदार्थों से ही रस निर्माण होता है, लेकिन संयोजन अपना है। यदि हमने सब्जी में नमक नहीं डाला और दूध में डाल दिया तो रस बिगड़ जाएगा। रस बनना के रस बिगड़ना ये डालने वाले हाथों पर निर्भर होता है। वैसे ही कर्मों का मामला है, हम चाहे बिगड़ी हुई रसोई को सुधार सकते हैं, हम चाहे तो सुधरी हुई रसोई को बिगाड़ भी सकते हैं, हम चाहे तो बनी हुई रसोई का खाना खा भी सकते हैं, हम चाहे तो रसोई जो खाना बना है किसी को दे भी सकते हैं, हम किसी को समर्पित भी कर सकते हैं, या हम कूड़ादान में भी डाल सकते हैं। रोटी नहीं कहेगी कि तू मुझे खाई, रोटी की कोई डिमांड नहीं है। जैसा आप करोगे रोटी अनकंडीशनल है, आप खाना चाहोगे खा सकते हो, आप देना चाहो दे सकते हो, आप उसको बर्बाद करना चाहो बर्बाद कर सकते हो, आप चाहे उसको प्रसाद बनाना चाहो प्रसाद बना सकते हो। जैसे रोटी का है वैसे कर्मों का है, आप चाहे तो कर्मों को भोग सकते हो, आप चाहे तो कर्मों को समाप्त कर सकते हो,
आप चाहे तो कर्म को प्रसाद भी बना सकते हो, आप चाहे तो कर्म को विषाद भी बना सकते हो, आप चाहो तो कर्म को जहर भी बना सकते हो, आप चाहो तो कर्म को अमृत भी बना सकते हो। कर्म आपको जहर नहीं बनाते, कर्म आपको अमृत नहीं बनाते। आप जो उनको बनाओगे उनके बनाने में हम ऐसे बन जाते हैं। इस वाक्य को ध्यान से लें। कर्मों को जहरीला बनाने में हम जहरीले बन जाते हैं, कर्मों को पावन बनाने में हम पावन बन जाते हैं। ये हमने तय करना है कि हमने क्या बनना है। परमात्मा की चेतना ने तय किया कि उनको तीर्थंकर बनना है, वो तीर्थंकर बने। गोशालक ने तय किया किसको तेजोलेश्या बनना है, वो तेजोलेश्या बन गया। इंद्रभूति गौतम ने तय किया कि मुझे परमात्मा का शिष्य बनना है, गंधर्व बनना है, गंधर्व बन गए। सुधर्मा स्वामी ने तय किया कि मुझे परमात्मा की वाणी दुनिया में पहुंचानी, ओह बन गई। गाड़ी जहां ले जाना चाहते हो वहां ले जा सकते हो। गाड़ी की कोई मंजिल नहीं होती, गाड़ी का कोई रास्ता नहीं होता है, रास्ता ड्राइवर का होता है, रास्ते का चुनाव ड्राइवर करता है, मंजिल का चुनाव ड्राइवर करता है। कोई गाड़ी तय नहीं करती है कि मैंने कहां पहुंचना है, कोई गाड़ी तय नहीं करती है कि मैंने कौन से रास्ते पर दौड़ना है। जैसे गाड़ी वैसे कर्म है। अब कोई किसी के पास खटारा गाड़ी होगी, किसी के पास टोयोटो होगी, किसी के पास एरोप्लेन होगा, किसी के पास हेलीकॉप्टर होगा, किसी के पास मिसाइल होगी, किसी के पास बाइसिकल होगी। जो तुमने परचेस करी है वो तुम्हारे पास है। तुमने क्या परचेस करना है तुम्हारा विषय है। चक्रवर्तियों ने चक्रवर्ती का वाहन परचेस किया, उनको वो मिल गया। गुरुदेव ने आनंद का वाहन स्वीकार किया, उनको आनंद का वाहन मिल गया। ये हमने तय करना है। और इसलिए एक अनूठी देशना परमात्मा फरमाते हैं, बड़ा विशेष और बड़ा अनूठा है परमात्मा का कर्म सिद्धांत। सारे सिद्धांत परमात्मा के अनूठे हैं। परमात्मा स्थान में जाने वाला व्यक्ति कैसे अपने कर्मों को तैयार करता है, और कर्मों को तैयार करने ध्यान में रखना, बस किसी को जलाने के लिए स्वयं को जलना ही पड़ेगा। किसी के पास बदबू पहुंचाने के लिए अपने पास बदबू रखनी ही पड़ेगी। किसी के पास खुशबू पहुंचाने के लिए अपने पास खुशबू रखनी ही पड़ेगी। और कोई बदबू आपके पास आती नहीं, कोई खुशबू आपके पास नहीं आती, आप लेते हैं तब आती है, आप पकड़ते हैं तब आती है। ये तय करना है। और इसलिए इस कर्म का एक अनूठा शास्त्र, एक अनूठी कला है। कड़ा न कम्मा न मोक्षा थी कि वे कर्मों का मोक्ष नहीं होता है भोगे बिना। एक एक बात है, लेकिन उसके साथ दूसरी बात भी है। ये बात उन लोगों के लिए है जैसे कोई अंधा रास्ते से जा रहा है, रास्ते में गड्ढे हैं, वो किसी को पूछता भी नहीं है, वो ऐसे ही चला जा रहा है, तो गड्ढे में जाकर गिरेगा, वो पक्का गिरेगा। लेकिन किसी के पास आंख है, रस्ते में गड्ढे हैं, रस्ते में कांटे हैं, रस्ते में गंदगी है, आग का उपयोग क्या है? गड्ढे में गिरना, गंदगी में पांव भराने या कांटों पर पांव रखना है? नहीं, जिसके पास आंख होगी वो गड्ढे से बच करके चलेगा, वो कांटों से बच करके चलेगा, वो गंदगी से बच करके चलेगा।
वैसे ही जितने भी कर्म हैं, चाहे दुख के हो, चाहे सुख के हो, चाहे परेशानी के हो, ये हमने बनाए हुए रास्ते पर गड्ढे। अब इन गड्ढों में जाकर के गिरना उसका निश्चित है जो अंधा है। और अंधा कहते हैं मिथ्या दृष्टि को, कि जिसको दिखता नहीं है। जैसे रास्ते पर के गड्ढे जिसको दिखते नहीं है उसको आप अंधा कहते हो, वैसे अंतर के गड्ढे जिसको नहीं दिखते हैं, अंदर का पाप जिसको नहीं दिखता है, अंदर की बदबू जिसको नहीं दिखती है, अंदर का जहर जिसको नहीं दिखता है, उसको मिथ्या दृष्टि कहते हैं। और जिसकी आंख खुल गई, जिसको रास्ते पर के गड्ढे दिख गए, वो गड्ढे में गिरेगा नहीं। इतना ही कर्म का सूत्र है। और इसीलिए परमात्मा शुरू से कहते रहे, सव कम पही नठा पक्का मंती में है सिनो। सारे कर्मों का क्षय करने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। ये देशना इसलिए भी जरूरी है, ये समझ इसलिए भी जरूरी है कि हम लोग आज उन लोगों के चक्कर में दुनिया उलझी हुई है। वो सोचते हैं कि तुम्हारा भाग्य कोई सुधार देगा, नहीं, कोई नहीं सुधार सकता है। जब से कोरोना कोविड का माहौल शुरू हुआ तब से तो मैं बहुत जोर से बोलता रहा हूं, जो कहते थे कि ये देवी वो देवता, वो देवी वो देवता हमारे पास आती है, ये है, इसकी साधना करो, वो होगा मंगल पाठ। शायद आप लोगों को भी पता है, कई लोगों के मंगल पाठ चलते थे, सर्व दुख हरण, सर्व पाप हरण, सर्व विघ्न नाशक, सारे मंगल पाठ चलते थे। लेकिन कोरोना कोविड का एक वायरस आ गया और सारे देवी देवता कहां बंद हो गए पता ही नहीं चल रहा है। ये केवल दुकानदारी है, इस दुकानदारी के अलावा कुछ नहीं है। पूरे आगम उठा करके देखिए, इंद्रभूति गौतम ने कभी यह दावा नहीं किया कि मेरे मंगल पाठ के कारण से तेरी बीमारी ठीक हो जाएगी। यदि विपाक सूत्र का जिक्र करें तो मुर्गा लोढ़ा को देखने के लिए इंद्रभूति गौतम जाते हैं, लेकिन वहां जाने के कारण से मुर्गा लोढ़ा का कोई दुख कम नहीं होता है। अरे चक्कर चला हुआ है, बहुत भयंकर चक्कर चला, बहुत भयंकर चक्कर चला, इतना भयंकर चक्कर चला, इतना भयंकर चक्कर चला हुआ है। आप जानते हैं कि मुझे किसी धर्म पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है, पर ये धर्म नहीं है, भोंदूगिरी है। और इसी भोंदूगिरी के पीछे यदि आप पुणे के आसपास भी देखोगे तो कई जगह पर यह भोंदू, ऐसा नहीं कि केवल हिंदू करते हैं, जैन करते हैं, सभी करते हैं, मुस्लिम करते हैं, क्रिश्चियन करते हैं, सब 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 तरफ के भोंदु तैयार हो गए हैं। प्रार्थना करो, प्रार्थना करेंगे जीसस आएगा, जीसस आएगा तुम्हारा दुख दूर करेगा, तुम्हारी बीमारी दूर करेगा। बुलाओ जीसस को, बुलाओ जीसस को, बुलाओ जीसस को, बुलाओ जीसस को, बोलते हैं और माहौल बना देते हैं। और माहौल बना करके लोगों को उल्लू बना करके, हाँ हो गया, हाँ हो गया, अरे हो गया, अरे हो गया तो हॉस्पिटल के लिए चलाते, फिर बंद करो हॉस्पिटल, किस लिए हॉस्पिटल चला दो फिर। लेकिन लोगों को उल्लू बनाने के तरीके रहते हैं, अरे तरीके बहुत गहराई से चल रहे हैं। किसी के घर पर कोई बीमार होता है, उसके घर पहुंचना, हम प्रार्थना करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं। अब एक न एक दिन जो हॉस्पिटल में गया वो ठीक होकर के आएगा, और ठीक होकर के आएगा, हमने प्रार्थना करी इसलिए ठीक होया, डॉक्टर किस लिए था फिर? तुम्हारे प्रार्थना से ठीक होता है, डॉक्टर किस लिए फिर? और ठीक नहीं हुआ तो, नहीं नहीं तुम्हारी श्रद्धा नहीं थी इसलिए ठीक नहीं हुआ, वो कमाल की बात हो गई यार। ठीक हुआ तो हमारी प्रार्थना के कारण से, और ठीक नहीं हुआ तो तुम्हारी श्रद्धा नहीं थी इसलिए ठीक नहीं हुआ।
ये सारी भोंदूगिरी दुनिया में चली हुई है, और इस भोंदूगिरी के पीछे कितने लोग उलझ गए, कितने लोग उलझ गए हैं, और किस किस प्रकार के प्रकार चलते हैं आपको पढ़ने को मिलता होगा। अभी कुछ दिन पहले कि एक एक दिन अपनी जुबान काट करके काट रख दी, तो जाना ही पड़ेगा बलमा। अरे तेरी जुबान काटने से कहां से आएगी तेरी यार। एक मां ने अपने बेटे को देवी को चढ़ा दिया रात को कुल्हड़ी से उसकी हत्या कर करके। ऐसे कितने भुंदगिरी के तरीके चलते रहते हैं। नहीं, ये अपना कर्म अपने को सुधारना होगा। उसको सुधारने के कुछ तरीके अपने पास परमात्मा ने बताए, पूरे कर्म प्रकृति के पूरे कर्म सिद्धांत का मैसेज एक लाइन में आ गया। एसिन संवरे चेवर, इनके दरवाजे संवरे नहीं, इनके दरवाजे बंद करो, ये कर्म आने के दरवाजे बंद करो। एसिन संवरे चेवर खवने ये जय बुआ, और दरवाजे बंद कर करके उनका क्षय करने के लिए प्रयत्न करो, जय आने प्रयत्न करना। बुद्धिमान जो बुहे अने बुद्धिमान समझदार सयाना किसको कहते हैं कि कचरा आने के दरवाजे बंद करें और अंदर में जो कचरा आया है उसको निकाले। इतना ही कर्म प्रकृति का सूत्र है, बाकी कोई लंबा चौड़ा विषय नहीं है। अरे कर्म फिर अपना से वो अंडरस्टैंडिंग है, नॉलेज है, इमोशन है, फीलिंग्स है। अरे फीलिंग्स आप सोचिए कैसे होती है। हर व्यक्ति की परिस्थिति फीलिंग अलग अलग होती है। किसी को कोई सब्जी अच्छी लगती है, किसी को कोई सब्जी अच्छी लगती है, किसी को शक्कर खाओ तो डायबिटीज हो जाती है, और कोई कितना ही शक्कर खाता तो उसको डायबिटीज नहीं होती है। थोड़ी सी तली हुई चीज किसी ने खा ली तो उसको गैस हो जाता है, और दूसरा आराम से खाते चला जाओ उसको कुछ नहीं होता है। आखिर डिपेंड कहां पर है। तो ये अंदर का जो उसका कर्म का स्ट्रक्चर है, उसने जो बना के रखा हुआ है, ये आठ प्रकार के जो उसने हमने हर व्यक्ति ने जो बांध के रखे हुए, हमने 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 लिखा है, राइटर हम है, और अपना राइटिंग अपने को ही पढ़ना पड़ेगा, अपने को ही सुनना पड़ेगा। आपके मन में जो कोलाहल चलेगा वो आपको ही सुनना पड़ेगा, दूसरा थोड़ा सुनने के लिए आएगा उसको, उसको दूसरा कोई सुन नहीं सकता है कि वो कोलाहल आपने तैयार किया है। आपके अंदर यदि कोई असाता का उदय हो रहा है, असाता की वेदना हो रही है, तो कोई माँ होगी, कोई पिता होगा, कोई भाई होगा, कोई बहन होगी, कोई गुरु होगा, कोई भगवान होगा, वो क्या कर सकता है, दवा लगा देगा। लेकिन आखिर में अंदर की सारी प्रक्रिया तो आपको ही झेलनी पड़ेगी, आपकी वेदना कोई ले नहीं सकता है। वेदना के लिए ट्रीटमेंट दे सकता है भगवान महावीर चंड, और जैसे शरीर की बीमारी वैसे मन की बीमारी का है। चंडकोशिक में गुस्सा था, अब चंडकोशिक का गुस्सा निकालने के लिए भगवान महावीर ने उसको गुस्सा लिया थोड़ा, उसको एक छोटा सा सूत्र दे दिया और उसने अपने अंदर में चेंज कर लिया, उसको समझ आ गई, वो एक अनुभूति करानी रहती है। और वो अगला अध्याय आएगा आपके पास लेशा का, उसमें सारी चर्चा चलेगी कि कैसे कर्म हम किसी के ले नहीं सकते, अपने कर्म किसी को दे नहीं सकते। लेकिन इसका अगला जो अध्याय है वो अगला और सूत्र बताता है। जैसे कोई बैंक किसी को बिजनेस नहीं दे सकती, लेकिन बैंक से पैसा लेकर के कोई बिजनेस कर सकता है, कोई फैक्ट्री लगा सकता है, बैंक किसी को फैक्ट्री लगा कर नहीं देगी। वैसे ही लेशा का सूत्र आगे चलेगा, उसमें हम समझेंगे उस बात को, लेकिन अभी पहले कर्म की बात थी। तो ये जो हम सोचते हैं, जीते हैं, करते हैं, सोते हैं, कुछ भी करते हैं, हर पल सात कर्मों का बंध तो अनिवार्य होता ही होता है। आयुष्य कर्म का बंध
जिंदगी में कभी एक पल में होता है, एक बार होता है, और एक बार होने के बाद फिर उसके आकर्ष चलते रहते हैं, उसका रिराइटिंग चलती रहती है। लेकिन सात कर्मों का बंध, जैसे आप यहां बैठे हो, सुन रहे हो, सामायिक में हो, मैं भी यहां आपके साथ निर्वाण कल्याण की आराधना कर रहा हूं, ये सब कुछ कर रहा, लेकिन इसके बावजूद भी सात कर्मों का बंध अंदर में हो रहा है। अब वो सात कर्मों का जो बंध हो रहा है, क्योंकि निरंतर ये कर्म परमाणु अंदर आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं। कितने ही दरवाजे बंद कर लो, कितने ही दरवाजे बंद कर लो, कितना ही समर कर लो, आखिरी समर होता है 14 वैकुंठ स्थान में। उसके पहले तो कहीं ना कहीं से थोड़ी सी ना थोड़ी 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 कहीं ना कहीं, कितना ही बंद करो, थोड़ी सी हवा आएगी आएगी, थोड़ा सा असर आएगा आएगा, कुचलते रहता है। लेकिन वो जो कर्म का बंद होता है, जैसे अभी भी कर रहे तो अभी जो कर्म का बंद हो रहा है, यदि आप शुभ भावों में हो, श्रद्धा के साथ हो, अभाव के साथ बैठे हुए हो, तो कर्म बंद हो रहा है, लेकिन पुण्य कर्म बंद हो रहा है। और पुण्य कर्म बंद हो रहा है ना, पाप कर्म की निर्जरा हो रही है। अब पाप कर्म की निर्जरा हो जाएगी, यानी पाप कर्म का क्षय हो जाएगा, और पाप कर्म का क्षय होगा तो पाप का आश्रम नहीं होता है। गणित ध्यान में रखिए, जिसकी निर्जरा होती है उसका आश्रम नहीं होता है। और यदि उस समय आपने पुण्य के द्वारा उसकी निर्जरा करी तो, और यदि आपने कभी निर्जरा करते समय भी गुस्सा किया, फॉर एग्जाम्पल कि सर दर्द हो रहा है, और सर दर्द हो रहा है और उस समय आप और दुखी हो गए, तो उसकी निर्जरा में भी पाप का बंध हो जाएगा। यदि आपने पुण्य करते हुए पाप की निर्जरा करी, वाक्य को पुनः कैच करिए, यदि आपने पुण्य करते हुए पाप की निर्जरा करी तो पाप का बंध नहीं होगा। यदि आपने पाप करते हुए पाप की निर्जरा करी, पाप करते हुए पाप की निर्जरा करी, तो पाप का बंध होगा। फॉर एग्जाम्पल अपना काम नहीं हो रहा है, अपना काम नहीं हो रहा है, दूसरे को लोगों का सहयोग मिलता है, अपने को नहीं मिलता है। अब अपने को सहयोग नहीं मिलता है, इसका मतलब अपने लाभांतराय कर्म का उदय है। लाभांतराय कर्म का उदय इसलिए सहयोग नहीं मिल रहा है। अब उस समय क्या करेंगे आप? उस समय जो सहयोग नहीं देंगे उनको गालियां देंगे, जो सहयोग नहीं दे रहे उनको टॉर्चर करेंगे, उन पर ब्लेम लगाएंगे, उनकी शिकायत करेंगे। उनकी शिकायत करने से क्या सहयोग मिलेगा क्या? नहीं, पहले ही लाभांतराय कर्म उदय में आया हुआ है, और गालियां दे करके और चिढ़ कर करके और शिकायत कर करके अपन लाभांतराय कर्म को वापस बंद कर रहे हैं। अब अपने लाभांतराय कर्म का बंद हुआ है, उदय में आया है, उसकी निर्जरा करनी है। उसकी निर्जरा करते हुए पुनः लाभांतराय का बंध नहीं करते हुए क्या करना चाहिए? अपने को सहयोग नहीं मिल रहा ना, दूसरे को सहयोग देना शुरू कर दो। कोई आपको सम्मान नहीं दे रहा, दूसरे को सम्मान देना शुरू कर दो। जैसे दूसरे को सम्मान देना शुरू करें, आपको कोई सहयोग नहीं दे रहा है, आपको कोई रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, आपको कोई सम्मान नहीं दे रहा है, आपकी कोई बात नहीं सुन रहा है, उस समय आप चिढ़ोगे तो वापस पाप का बंद करोगे। और उस समय भी आपने इतना सा चेंज कर लिया, आपने रिस्पेक्ट देना शुरू कर दिया, आपने सम्मान देना शुरू कर दिया, आपने सहयोग देना शुरू कर दिया, आपने मदद करनी शुरू कर दी, तो पुराने जो अपना लाभांतराय कर्म है वो क्षय हो जाएगा। और वो क्षय हो जाएगा तो फिर लाभ में अंतराय नहीं आएगी। यही गणित चलते हैं, गणित यही चलते हैं। श्रीपाल मैना सुंदरी ने यही गणित चलाया। उसने कोई बाप ने उसके साथ अन्याय किया तो बाप के ऊपर कोई शिकायत नहीं करी उसने। शिकायत कर से क्या होगा? शिकायत करती तो क्या वैरानुबंध दोस्ती में बदलता? क्या अशुभ कर्म शुभ बन जाता? नहीं। लेकिन उसने जो तरीका अपनाया, बाप ने बहुत कुछ किया, लेकिन मैना सुंदरी ने दूसरा तरीका अपनाया, संवरे खवने जे। उसने संवर किया, उसने बाप के तरफ से जो वैर आ रहा था, जो कषाय आ रहा था, उसके लिए दरवाजे बंद कर दिया। और दरवाजे बंद कर करके अंदर में से प्रेम की यात्रा, आदर,
उसने पिता को रिस्पेक्ट दिया, उसने पिता का आदर किया, उसने अपने पिता की बात पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया। ओके पिता, जैसा आप चाहते हैं, आपकी बेटी हूं, आपको जहां देना दीजिए, लेकिन सुखी होना कि दुखी होना मैं तय करूंगी। नो कंप्लेंट, और नो कंप्लेंट करी, शिकायत नहीं करी, तो एक समय पिता को भी उसकी श्रेष्ठता को स्वीकार करना पड़ा है। इसको कहते हैं संवरे खवने जय बुआ। इसके लिए कर्म प्रकृति का सहन, अपने को ज्ञान नहीं चल रहा है, हमें ज्ञान नहीं चल रहा है, अपने समझ में नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, अपने समझ में नहीं आ रहा ना, जिसको समझ में आ रहा है उसकी सेवा करें, उसके सानिध्य में रहे। अरे अपना घर टपकता है तो जिसका घर टपकता नहीं उसके घर में जाकर बैठ जाना है, ज्ञानी के पास जाकर के बैठ जा, ज्ञानी जो कहते उसको मान ले। इंद्रभूति गौतम ने क्या किया, अपने को उनको नहीं समझ में आ रहा था, भगवान महावीर के पास गए, समझ आ गई। तुम्हारे पास नहीं है, अपना ज्ञानावरण कर्म का उदय हो गया है, अपने को नहीं समझ रहा है, तो जो समझदार लोग उनके पास जाकर के रह जाओ, उनकी सेवा कर, उनकी भक्ति कर, उनका विनय कर, नहीं उन्हें घनो समझे, मन मालूम है, मालूम ने कठो आकल लेने आया है, अब इससे क्या करेंगे, तुम्हारी ज्ञानावरण कर्म क्षय हो जाएगा। हे मैंने अक्कल मत सिखा, ठीक है, ऐसा बोलने से तुम्हारा ज्ञानावरण कर्म पहले ही बंधा हुआ है और उसमें तुम पाप को भोगते और पाप बांध रहे। इतना तो सोचिए, पहले ही गर्मी पड़ी हुई है और उसमें तुम भट्टी के पास जाकर के बैठोगे तो गर्मी कम हो जाएगी क्या? अरे पहले अपने अंदर के पिछले पाप कर्म की आग जल रही है और उसमें उसमें तेल डालोगे कि पानी डालोगे, इतना ही परमात्मा कह रहे हैं। और ये भी बात अपने समझ में आ गई तो पूरा एक कर्म प्रकृति का खेल आपके समझ में आ गया, असाता का उदय हो गया। अभी आपने सुना उत्तराधीन की आराधना में अनाथ मुनि को भयंकर वेदना शुरू हुई, भयंकर वेदना शुरू हुई, और उस वेदना के पलों में उन्होंने तय किया कि मैं आखिरी सांस तक आप किसी को दुख नहीं दूंगा, और दुख नहीं देने का संकल्प किया उन्होंने। और जैसे दुख नहीं देने का संकल्प किया, दुख समाप्त हो गया, आग बुझ गई। इसको कहते संवर करना, इसको कहते क्षय करना। सारे कर्मों का खेल ऐसा ही है, अपना मन ठिकाने पर नहीं लग रहा है, अपने मन भावनाएं अच्छी नहीं हो रही है, दर्शन मोहनी का उदय हो रहा है, दर्शन मोहनी का उदय हो रहा है, भावना नहीं बन रही है, चरित्र मोहनी का उदय हो गया है, आचरण नहीं कर पा रहे, पिछले जन्म का अपना नियाना है नहीं कर पा रहे, उसमें क्या करना फिर, जो चरित्र लेते उनकी निंदा करनी, उनसे ईर्ष्या करनी, नहीं। अरिष्ट नियमित परमात्मा ने श्री कृष्ण वासुदेव को जो बताया, तू चरित्र ले नहीं सकता है लेकिन तू चरित्र दिलाने वाले की अनुमोदना कर सकता है, जो साधना कर सकते हैं उनको सपोर्ट कर सकता है, जो सामायिक कर सकते हैं उनका तो सपोर्ट कर सकता है। और ये पन्ना है, ये सपोर्ट कर करके सपोर्ट कर करके सपोर्ट कर करके स्वयं नहीं कर रहा था, स्वयं नहीं कर रहा था, स्वयं कर नहीं सकता था, लेकिन इतना कराया, इतना कराया, इतना कराया कि तीर्थंकर नाम कर्म का बंद कर लिया, पुण्य का बंद कर लिया, अंदर में पाप चल रहा था उसमें पुण्य किया। इतना सा भी गणित आपके समझ में आ गया तो पूरा कर्म ग्रंथ आपके समझ में आ गया है। फिर वो साता हो कि असाता हो, अपने साता विदनी का उदय हो गया है ना, पुण्य का उदय हो गया। अब पुण्य के उदय में तुम पाप कमाओगे क्या? अरे पुण्य के उदय में पाप कमाओगे तो कितना महंगा सौदा हो जाएगा। और प्राय ऐसे करते हैं, हम किसको कहते हैं रावण, किसको कहते हैं कंस, किसको कहते हैं जरासंध, किसको कहते हैं ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती, इन्हीं को कहते हैं कि जिन्होंने पुण्य के उदय में पाप बांधा। आज तुम्हें सारी अनुकूलता मिली हुई है, तुम्हारा पुण्य का उदय है,
इस पुण्योदय की रेला में पाप कर्म बांधने की पुण्य काम बंद करते चले जाना है। ये सोचिए, पाप के उदय में पाप का क्षय करना और पुण्य के उदय में पुण्यानुबंधी पुण्य बांधते चले जाना है। पुण्यानुबंधी पुण्य, चिंता ही मत करो, तुम चिंता ही मत करो, मेरी बात के ध्यान में रखो। पुण्य के बंधन की चिंता ही मत करो। पुण्य का बंधन ऐसा है, तुम तोड़ना चाहो तो भी टूट जाएगा, नहीं तोड़ना चाहो तो भी टूट जाएगा। पुण्य ने फूल है, पुण्य ने क्या है, फूल है, पाप ने कांटे हैं। कांटा तोड़ोगे तो ही टूटेगा, लेकिन फूल तुम तोड़ो तो भी टूट जाएगा और नहीं तोड़ो तो भी टूट ही जाएगा। उसको तोड़ने के लिए कुछ करने की जरूरत है नहीं है, वो तो यूं ही चला जाएगा। किसी पेड़ को कितने ही फूल लगे, फल लगे, तो फल तो झड़ जाते हैं, फूल भी झड़ जाते हैं। जाके बबूल के पेड़ के पास जाकर के देखो, आप बबूल के फल को लगे हुई वो फलिया वो गिर जाती है, कांटे नहीं गिरते। कांटे पाप जैसे है, इसलिए अपन पाप को कांटा कहते हैं, पुण्य को फूल कहते हैं। ये पुण्य के फूल तो झड़ ही जाने, तुम गाय को टेंशन करते कि पुण्य पुण्य बांधेंगे तो मोक्ष में नहीं जाएंगे। किसने कहा पुण्य नहीं बांधोगे तो मोक्ष में नहीं जाओगे? अरे पुण्य बांधोगे तो ही मोक्ष में जाओगे, पुण्य का उपार्जन करोगे तो ही मोक्ष में जाओगे। ये मनुष्य शरीर किससे मिलेगा? तीर्थंकर नाम कर्म श्रेष्ठतम पुण्य है, गंधर्व नाम कर्म उसके बाद का पुण्य है। ये पुण्य का बंध करेंगे तो ही काम चलेगा, नहीं बंद तो होगा, लेकिन एक ऐसा बंध है, ये पुण्य का बंध एक ऐसा बंध है कि पुण्य के बंध को तोड़ने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। शाली भद्र ने पुण्य कमाया, उसको पुण्य तोड़ने के लिए क्या करना पड़ा? एक झटके में टूट गया, एक पल में टूट गया। कालू सौकरी को पाप छोड़ना मुश्किल गया, लेकिन किसी को पुण्य छोड़ना मुश्किल नहीं गया। तुमने बहुत सारी प्रसंग सुने हैं, मुर्गा पुत्र के पास पुण्य था, पुण्य छोड़ने देर लगे क्या उसको? भरत चक्रवर्ती के पास पुण्य था, पुण्य छोड़ते थोड़ी देर लगती है, पुण्य तो यू छूट जाएगा। इसलिए कोई तुमको कहता नहीं नहीं पुण्य मत बांध, पुण्य तो होगा ही, पुण्य तो होता ही है। पाप के पचकान कहे परमात्मा ने, पुण्य के पचकान नहीं कहे। इसलिए पुण्य का बंध का तो पुण्य को फूल कहते हैं, पाप को कांटे कहते हैं। पुण्य के फूल तो तुम तोड़ो तो भी टूटेंगे, नहीं तोड़ो तो भी टूटेंगे टूटेंगे। ऐसा खुद फूल देखा आपने कि जो मुरझाता नहीं हो? और कांटे को देखा है आपने कभी अपने आप टूटते हुए? कोई कांटा अपने आप नहीं टूटता है, लेकिन फूल तो झड़ जाएंगे। इसलिए पुण्य का उदय है, आज तुम्हारा पुण्य का उदय है। जो तुम्हें जिन शासन मिला है, इस पूरे दुशासन के राज में तुम्हारे मन में परमात्मा की वाणी की आराधना करने का भाव जन्मता है, यही पुण्य के ही तुम्हारे प्रमाण है। इस पूरे दूषित माहौल में तुम्हें परमात्मा की इस पावन गंगा के पास आकर के बैठने का मन होता है, यही तुम्हारा पुण्य है। और ऐसे पुण्य के समय में यदि पुण्य बांधते चले जाओगे तो और पुण्य बढ़ता जाएगा। इसलिए ये कर्म प्रकृति का सूत्र केवल इतना है, ज्यादा कर्म का टेंशन नहीं लेना, कर्म का टेंशन नहीं लेना। कर्म का टेंशन लेने की वजह है उसका उपाय करना। बीमारी आ जाए तो क्या, टेंशन लेने से बीमारी आएगी क्या? बीमारी कभी टेंशन से नहीं जाती है, बीमारी ट्रीटमेंट से जाती है। तो कर्म की ट्रीटमेंट करनी होती, परमात्मा यही कह रहे तुमसे, सव कम पही नट्ठा पक्का मंती में। और इसलिए सारे कर्म का पूरा डिटेल फिलॉसफी तो यहां मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, बेसिक जो आप कर सकते मैं बता रहा हूं आपको, बिल्कुल सिंपल बात। जो अपने को चीज मिलती नहीं, प्यार अपने को नहीं मिल रहा है ना, दूसरे को देना शुरू करो। समझ लो, अपने को प्यार नहीं मिल रहा इसका मतलब अपना अंतराय कर्म है, दूसरे को देना शुरू करो। कोई अपने को अच्छा नहीं बोल रहा है, दूसरे को अच्छा बोलना शुरू कर दो। कोई अपने कदर नहीं कर रहा, दूसरे की कदर करना शुरू कर दो। कोई आपको इज्जत नहीं दे रहा है, दूसरे को इज्जत देना शुरू कर दो। जो आपको नहीं मिल रहा है उसका मतलब समझ कर चलो कि उसका अपना अंतराय कर्म का उदय है।
और उसको तोड़ने का रास्ता क्या है? ये रास्ता है, जो अपने को नहीं मिल रहा दूसरे को देते चले जाओ। धनांतराय, देने के अंतराय तोड़ो, भोगांतराय, उपभोगांतराय, विरियांतराय। आराधना कर रहे हो, समय लगा रहे हो, खुशी से लगाओ, मस्ती से लगा, हैप्पी। उपास भी करना था मस्ती में करना, सर दुखा तो भी मुस्कुराते रहना, उसको कितने अंतराय कर्म का क्षय करना है। आपको आपके परिचित है चतुर्मास करके गए हैं महासतीशी मंजूश्री जी, देखिए आप उनके तरफ कितनी शरीर में प्रतिकूलता है, लेकिन उस प्रतिकूलता के बीच भी उनके आंखों में आंसू नहीं है, उस दुख के बीच भी वो मस्ती में जीते हैं। ये सूत्र है, ये जीवन जीने का सूत्र है। और ये जीवन जीने का सूत्र आ गया तो कांटे भी फूल बन जाते हैं, इतना सा सूत्र है। और क्या होगा, अरे घनो दुखे रे, घनो दुखे रे, कई करो रे, ईसु करो, और उससे क्या होगा? रोना रोने से, रोना रोने से तेरी बीमारी कोई लेने वाला नहीं है। इतना ही होगा कि तू बार बार रोएगा तो कोई तेरे पास सुनने के लिए आएगा ही नहीं। इसके पास गए ना, ये इसकी कहानी सुननी पड़ती, फिर लोग कहते नको नको रगन जावने से नको, तो किस लिए सुनाते? आराम से ये है कर्म का सूत्र, और उस पंक्ति को केवल याद रख लेना है ना, संवरे एसिम संवरे चेव खवने जय बुआ, इनका संवर करना है, इन पाप को आने नहीं देना है, और जो अंदर है उसको निकालते चले जाना, निकालते चले जाना। इसी को कहते हैं कर्म क्षय करना, इसको कहते हैं कर्म संक्रमण करना। और ऐसे कर्म के क्लास में बहुत लंबे लेता हूं, बहुत लंबे क्लास चलते हैं, और प्रयास चल रहा है कि कर्मा के भी टीचर तैयार कर रहा हूं। मुझे एक शौक लग गया, जो मैं सिखाता हूं वो सिखाने वाले तैयार करता हूं, मजा उसी में है ना। जैसे आपने देखा होगा ना, हर शराबी व्यक्ति दूसरे को शराबी बनाने का प्रयास करता है, हर गुटखा खाने वाला दूसरे को गुटखा खाने को लगाता है, जिसको भी चाय की आदत होती है वो दूसरे को भी चाय पीने के लिए मनवार करते रहता है। तो जब वो शराबी दूसरे को शराबी बना सकता है, तो मैं क्यों नहीं दूसरे को जैनी बना सकता यार, मैं क्यों नहीं प्रभु का भक्त बना सकता? आराम से बनाते चले जाना। इसलिए जो सीखा है, इसलिए स्वामी समर्थ रामदास की पंक्ति याद करिए, शाने करुणे सोड़ावे सकल जना, सबको सयाना बनाना है, सबको सयाना बनाना। इसलिए मैंने एक पिछले 10-11 सालों से एक कार्यक्रम शुरू किया, जो मैं सिखाता हूँ 3-4 साल तक मैं सिखाता हूँ, और 3-4 साल सिखाने के बाद फिर उसके ट्रेनर तैयार कर देता हूँ। और इसलिए अरविजा के ट्रेनर और बहुत अच्छा काम चल रहा है, कितना काम चल रहा है, मैं कितना काम कर सकता था, लेकिन आज 700-800 टीचर काम कर रहे हैं, और 700-800 टीचर नए बन रहे हैं, और फिर 19 तारीख से आपको आमंत्रण बनने के लिए आइए, कर्मा के भी टीचर बना रहा, समय के टीचर बना रहा, जो जो मुझे आता है मुझे दूसरे सिखाने मजा आते हैं, बस बाकी कुछ नहीं। जो नहीं आता है नहीं आता है, जो आता है वो सिखाना चाहिए, और वो भी उनको ही सिखाता जो आगे सिखाएंगे। सिखाना इसलिए है कि आगे सिखाते चले जाओ, नहीं तो नहीं मैं सीख लिया मैं मम्मन सेठ बन जाऊँ, बिल्कुल नहीं। मम्मन सेठ वालों से तो मैं रिश्ता ही नहीं रखना। मम्मन सेठ वालों से तो 7 हाथ नहीं 7,000 कोस दूर रहना। ऐसे मम्मन सेठ है कि तुम्हारे शाली भद्र को कब मम्मन सेठ बना के रखेंगे बता नहीं। इसलिए मुझे सबसे ज्यादा, मैं किसी से बसता हूं नफरत नहीं करता हूं, लेकिन बसता हूं उनसे कि नहीं ये नहीं चाहिए। और इसी के साथ आइए, बहुत बढ़िया अध्याय लेशा का, जिसकी बहुत चर्चा आप लोग सुन चुके हो, और एक ही ऐसा विषय है, एक ऐसा विषय है कि कर्म तुम किसी के चेंज
नहीं कर सकती हो। लेकिन लेशा चेंज कर सकते हैं, है ना। बादल को बरसने के लिए तुम ऑर्डर नहीं दे सकते हो, लेकिन पर्यावरण ऐसा हो जाए तो बादल बरस जाते हैं। बादल को बरसाने के लिए क्या करना पड़ता है कि बादल को पकड़ के थोड़े कहोगे बरस जाते हो, लेकिन यदि आपने माहौल बना दिया तो बादल बरसते हैं। और लेशा कहते पर्यावरण को, ये पर्यावरण चेंज करना, अपने परिवार का पर्यावरण चेंज करना, अपने समाज का पर्यावरण चेंज करना, अपने शरीर का पर्यावरण चेंज करना, अपने मरण का पर्यावरण चेंज करना। पर्यावरण तो समझते ही आप, एटमॉस्फेयर, बाहर का वातावरण, ये जो अंदर का माहौल है, अपने शरीर का, अपने मन का, अपने बोलने का, अपने चेतना का, ये जो माहौल है ये चेंज करना। ये स्वयं का भी चेंज कर सकते हैं, दूसरे का भी चेंज कर सकते हैं। मैना सुंदरी ने, श्रीपाल ने इतनी ही साधना करी, पंच परमेश्वर की लेशा से अपनी लेशा चेंज करते चले गए, पंच परमेश्वर की लेशा लेती गई, पंच परमेश्वर की लेशा लेती गई। एक दिन केवल अरिहंत की लेशा, एक दिन केवल सिद्ध की लेशा, केवल आचार्य की लेशा, इसलिए उस कलर का ध्यान करते थे, इसलिए उसका जाप, और वो लेशा चेंज करते गए अपने। उधर से लेशा लेते जाओ, लेशा लेते जाओ, लेशा लेते जाओ, बीज क्या करता है? आम का बीज को क्या जमीन में से शक्कर मिलती है क्या? और करेले के बीज को क्या जमीन में से कड़वाट मिलती है क्या? नहीं, वो बीज जो ले बाहर से जो आता है उसको लेता है, चेंज करता है। तो ये चेंज करने की बात है लेशा की। और अपने लेशा कैसे पहले चेक करो, परमात्मा ने इस अध्याय में लेशा के सारे वर्ण गंध रस स्पर्श ये भी बताए, स्थिति भी बताई, आयुष्य बताया, वृत्ति बताई और एटीट्यूड बताया। कौन सी लेशा का एटीट्यूड क्या होता है, अपना एटीट्यूड चेंज करो। वर्ण गंध रस स्पर्श को चेंज करने के लिए आपको बहुत लंबी साधना करनी पड़ेगी, लेकिन एटीट्यूड चेंज करना बड़ा आसान है। वर्ण गंध रस स्पर्श की साधना भी चेंज करनी है, अपने के कलर चेंज करने है, और किसी एक को चेंज कर लिया तो बाकी सारा चेंज हो जाता है। ये इनका पूरा एक चौकड़ी है, लेशा की पूरा ये पूरी गैंग है। इस गैंग में सारे लीडर है, जिसको तुम चेंज करोगे उसके पीछे बाकी सारे चेंज हो जाएंगे। एक को चेंज किया ना, कलर को चेंज किया तो बाकी सारे चेंज हो जाएंगे, गंध चेंज किया तो बाकी सारे चेंज हो गए, रस चेंज किया तो बाकी सारे चेंज हो जाएंगे, स्पर्श चेंज किया तो भी बाकी सब चेंज हो जाएंगे। मैंने लेशा पर औरंगाबाद में लंबे प्रवचन दिए और बहुत सारे प्रयोग दिए। मुझे समाधान इस बात का है कि इसको काफी जैनेतर लोगों ने फॉलो किया है। लेशा एक ऐसा विषय है कि केवल पर्यावरण चेंज करना है, और इसीलिए परिवार का माहौल चेंज कर दो ना, परिवार का एटीट्यूड चेंज कर दो। किसको कहते हैं? कृष्ण लेशा नहीं रहनी चाहिए अपने घर में, कृष्ण लेशा नहीं रहनी चाहिए। एक तय कर लो, मेरे घर में कृष्ण लेशा, नील लेशा, कपोत लेशा का माहौल नहीं रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा। और इसलिए अर्हम फैमिली बनाने का प्रयास है। और एक बार ये तीन लेशाएं निकल गई तो बाकी सारी लेशाओं का चेंज हो गया, माहौल ही चेंज हो गया। और बाकी सारी कर्म क्या? बादल है, लेशा एक माहौल है। अब जैसी लेशा होंगे वैसे कर्म के बारिश गिरेंगे। जो जानकार है उनके लिए बता रहा हूं, अब छठे आर्य में जो बारिश होगी वो जहरीली होगी, एसिड की होगी। क्यों? कि उस समय का माहौल ही वैसा, वैसे बादल बरसेंगे, वही चौथा आरा लगेगा, वही सुखमय का आरा लगेगा, माहौल चेंज हो जाएगा, और माहौल चेंज होगा तो बारिश चेंज हो जाएगी। तो ऐसे ही माहौल को चेंज करिए, परिवार के माहौल को चेंज करिए, स्थानक के माहौल को चेंज करिए, संघ के माहौल को चेंज करिए, समाज के माहौल को चेंज करिए। देखिए निर्वाण कल्याण की आराधना चल रही, माहौल चेंज हुआ कि नहीं हुआ आपका? और माहौल चेंज हुआ तो कहीं शांति से बैठे आराम से, ते माहौल चेंज करना, माहौल चेंज करने का एटीट्यूड चेंज करना, वर्ण गंध रस और स्पर्श स्थिति कितने समय तक रहती है, क्या उसके भाव होते हैं,
वर्ण के विषय में तो जैसा जैसा नाम लिखा है, कृष्ण, नील, कपोत, तेजो, पद्म और शुक्ल, ये उनके कलर के आधार पर ही नाम दिए गए। और ये वर्ण आप देखे जा सकते हैं, ये कलर आप देखे जा सकते हैं, जिसको किरिलिन फोटोग्राफी के माध्यम से ओरा के आप फोटोग्राफ लिए जा रहे हैं, और सोरा के माध्यम से पता चलता है कि इस व्यक्ति की वृत्ति क्या है, इसकी प्रकृति क्या है। ये प्रकृति यदि चेंज हो गई, आकृति चेंज हो जाएगी, और उसको चेंज करने के लिए परमात्मा ने बहुत से उपाय बताए, इतने उपाय बताए उस प्रकार के लेशा के परमाणु ग्रहण करेंगे, सफेद के परमाणु ग्रहण करेंगे तो कृष्ण लेशा चेंज हो जाएगी, किसी का प्रेम ग्रहण करोगे तो तुम्हारा गुस्सा चेंज हो जाएगा, और किसी का गुस्सा ग्रहण करोगे तो तुम्हारा प्रेम चेंज हो जाएगा। ऐसा होता है ना, कई बार आप मंगल पाठ ग्रहण करते हो तो मन भी मंगल हो जाता है, और आप गाली ग्रहण करते हो तो मन भी गाली जैसा हो जाता है। क्या ग्रहण किया आपने? गुरुदेव का स्पर्श ग्रहण करते थे तो अंदर में कोमलता आती थी, उस स्पर्श के माध्यम से भी लेशा चेंज की जा सकती है। वही पेरेंटिंग में प्रयोग कराते हैं कि स्पर्श के माध्यम से अपने संतति की लेशा कैसी चेंज करनी, कलर के माध्यम से कैसी लेशा चेंज करनी, ये तो अरहम पुरुषाकार अष्टमंगल इनमें वही प्रयोग चलता है। इनकी आकृति चेंज करो, इनकी लेशा चेंज करो, और लेशा चेंज करने का तरीका वही है कि जिसको आप ग्रहण करोगे, जैसे प्रज्ञापना में गया, भगवती सूत्र में गया, और वहां एक सिंपल एग्जाम्पल दिया गया, दो एग्जाम्पल दिए गए कि जैसे दूध में दही का जामन देंगे तो दूध चेंज हो जाता है, और जैसा जामन देंगे वैसा दही बनेगा, खट्टा चावन देंगे खट्टा बनेगा, मोड़ा देंगे मोड़ा बनेगा, जैसा चावन दोगे वैसा दही बनेगा। यही चेंजेबल लेशा, एक शोबल लेशा है। जैसे स्फटिक के पास आप जो कलर ले जाके रखोगे, कृष्ण आपको उसी कलर में नजर आएगा, लेकिन वो क्यों नजर आता है, होता नहीं है, उसमें चेंजेस नहीं आते, वो दिखता है केवल। लेशा के परिवर्तन में दोनों ही एग्जाम्पल आगम में गए, दोनों ही सिद्धांत आगम में गए, कुछ लेशाएं चेंज हो जाती हैं और कुछ लेशाएं केवल चेंज हुई जैसी दिखती, लेकिन उसमें कोई चेंजेस नहीं आता है। तो उसका कारण है कि वो दूध नहीं है, वो क्रिस्टल है, उसमें चेंज होने का संभावना नहीं है। जैसे बीज को पानी में रखा तो बीज पानी ले पाएगा, अब कंकर को पानी में रखा तो कंकर ठंडा हो सकता है लेकिन अंकुरित नहीं हो सकता है, अंकुरित तो बीज ही हो सकेगा। तो कई लोगों की ऐसी भी स्थिति होती है, जैसे भगवान महावीर के लेशा ग्रहण कर करके चंडकोशिक चेंज हो गया, शूलपानी चेंज हो गया, लेकिन जमाली चेंज नहीं हो पाया, गोशालक चेंज नहीं हो पाया, खुनी चेंज नहीं हो पाया, क्यों? कंकर थे। अब कंकर में कहां से ग्रहण होगा? किसान किसी कंकर को कितना ही खाद पानी दे तो कंकर की खेती थोड़ी आएगी, बीज की खेती आएगी। तो कुछ कंकर जैसे होते हैं कंकर जैसे नहीं होते, ऐसा नहीं है, लेकिन कंकर को भी कभी कभी चेंज करने की कला आ जाती है। लेकिन मैक्सिमम बीज पर तो काम कर ले अपन, और बीज के विषय में खोजना है अपना बीज कौन सा है, अपना कृष्ण लेशा का बीज है क्या, बस उसी की बात करूंगा। और उसका एग्जाम्पल ध्यान में रखिए, जो प्रसिद्ध एग्जाम्पल है उस एग्जाम्पल के आधार पर बात करता हूं पहले, और फिर इसको समझते चले जाए कि एक फलदार पेड़ है और किसी को फल खाने है, छह व्यक्तियों को फल खाने है। आप जानते हैं कि जो पेड़ को जड़ से काटता है उसकी कृष्ण रेशा कहते हैं। आपको किसी जीवन में समस्या का समाधान चाहिए, बुरा मत बनना किसी ने काम किया हो तो, आपको लगता है कि नहीं माँ बाप के साथ रहते हैं ना, सास ससुर साथ में रहते हैं तो बहुत बंधन आते हैं, इसलिए अलग रहना है। अभी ये सारे कृष्ण लेशा वाले हैं, इन्होंने क्या किया,
उस परिवार को ही काट दिया, उस रिश्ते को ही काट दिया। और कितना फ्रीडम चाहिए था उस फ्रीडम के पीछे, एक पूरी परिवार की सुरक्षा समाप्त कर दी। मुझे संग में कुछ काम करना है और मैं देखता हूं कि सीधे तरीके से काम नहीं हो रहा है, तो फिर मैं देखता हूं संग में कौन नाराज लोग हैं, उनको साथ में ले लेता हूं और संग में एक फूट डाल करके अपना काम करा लेता हूं। तेरा काम तो हो गया, लेकिन संग में जो मतभेद हो गया, भेद हो गया, वो कृष्ण लेशा हो गई। अपने स्वार्थ के लिए, अपनी इच्छा पूरी करने के लिए, अपने टेम्पररी रिलीफ के लिए हम ऐसे जब परमानेंट लॉस करते हैं उसको कृष्ण लेशा करते हैं। किसी व्यक्ति ने तुम्हें कोई कड़वा शब्द बोल दिया और रिश्ता तोड़ दिया। अरे कड़वा शब्द एक बार बोला, उसके पीछे रिश्ता तोड़ने की जरूरत क्या है? बोला कड़वा शब्द, आज कड़वा बोला कल मीठा बोल लेगा, लेकिन एक वाक्य बोला रिश्ता तोड़ दिया, एक कृष्ण लेशा लोग हैं। इसलिए ध्यान में रखो कहां पर अपन कैसे काम करते हैं, अपना छोटा सा काम निकालने के लिए कोई व्यवस्था तोड़ गए, कोई रिश्ता तोड़ते हैं, कोई घर तोड़ता है, कोई समाज तोड़ते हैं। मेरे किसी पर कोई टिप्पणी नहीं है, लेकिन एक बात पक्की है कि जो भी संघ समाज में फूट डालने का काम करते हो, चाहे जिस बाने में हो, वे सब कृष्ण लेशा वाले हैं। उन सबकी अधर्म लेशा है, जो समाज में झगड़े लगाते हैं, जो परिवार में झगड़े लगाते हैं, जो हिंदू मुस्लिम को लड़ाते हैं, जो भी लड़ाने का काम करते हैं वो प्रेम को बर्बाद कर देते हैं, ये सारे पेड़ को काटते हैं, ये संस्कार के पेड़ को काटते हैं। कितने अपने पेड़ कटे जा रहे, संस्कार के कितने पेड़ कटते जा रहे, जितने भी संस्कारों के पेड़ काटे जाते हैं एक खतरनाक है। एक घर की मर्यादा थी, घर के संस्कार थे, वो संस्कारों के पेड़ों को सुरक्षित रखना चाहिए था, लेकिन अपने स्वयं के सुख के लिए मैंने संस्कार के पेड़ों को ही काट करके फेंक दिया है। बस एक कहानी कह करके आज बात को रोक रहा हूं। भरत चक्रवर्ती अलंकार सभा में गए थे, जिसको ब्यूटी पार्लर आप कह सकते हैं, दर्पण महल, वहां सज रहे थे स्वयं को। आप सजते सजाते हैं ना स्वयं को, वैसे दर्पण महल ताजा देख रहे थे सजा हुआ। और सजाते सजाते आंख बंद करी, और आंख बंद करी तो एक अलग रूप नजर आया। दर्पण होता है, दर्पण का ध्यान होता है, और एक उंगली से, छोटी उंगली से अंगूठी नीचे गिर गई। अब जहां से उंगली से अंगूठी गिर गई वो थोड़ी सी अलग दिखने लग गई। वो अलग दिखने लग गई तो एक एक आभूषण उतारते गए, और जैसे जैसे आभूषण उतारते गए वैसे वैसे स्वयं के अंदर के सारे मुकुटे उतरते गए, और शुद्ध स्वरूप का ध्यान होने लगा। शुद्ध स्वरूप का ध्यान हो गया तो केवल ज्ञान हो गया। गए थे भोगी के रूप में, आए बाहर योगी के रूप में। मजा अगली है, वहां उनके उस साधना के वाइब्रेशन थे, वहां उनके साधना के वाइब्रेशन थे। इसी आधार पर नौकार कलश का प्रयोग चला है कि वो साधना के वाइब्रेशन वहां थे। उसके बाद उनका बेटा वहां पहुंचा, उत्तराधिकारी, देखो वहां जाकर क्या होता है। और गया ना, उसको केवल ज्ञान हो गया। उसके बाद उनका पोता पहुंचा वहां पर, पोते को केवल ज्ञान हो गया। आठ उत्तराधिकारी, कितने, आठ जनरेशन तक, एट जनरेशन तक जो भी वहां पहुंचा उसको ध्यान लग गया, उसका केवल ज्ञान हो गया। ये आगम का प्रमाण है। इसको कुछ नहीं किया था उन्होंने, केवल वहां गए और केवल ज्ञान हो गया। एलिशा का सूत्र था कि उनके वहां वाइब्रेशन थे, उनके वहां पर वास था। जैसे कोई चोर कहीं से निकल जाता है तो उसके स्मेल लेते हुए कुत्ता उसको पकड़ लेता है, केवल एलिशा वहां रहती है उसकी। इसी के आधार पर अपने यहां कहते हैं कि जहां कोई भोगी बैठा हो वहां योगी नहीं बैठना चाहिए, अपोजिट सेक्स में वहां बैठना नहीं चाहिए। क्यों नहीं बैठना चाहिए? इसलिए नहीं बैठना चाहिए। कोई संयम में बैठा हो तो जाकर के बैठ जाओ, कोई योगी बैठा हो तो जाकर बैठ जाओ, वह आनंद आएगा, निश्चित रूप से आएगा, क्योंकि उसके वाइब्रेशन वहां पर है।
नौवां उत्तराधिकारी आया है। कहानी इसलिए कह रहा हूं कि ऐसा हमें नहीं बनना है। नौवा उत्तराधिकारी आया है और उसने सारा इतिहास सुना भी, देखा भी कि उसके पिता वहां गए और वो बाहर आ गए तो साधु बन गए, दादा गए तो वही होगा, ये हुए तो हो गया। उसको लगा कि ये जगह में कुछ गड़बड़ी है। वो जैसे सिंहासन पर आया तो सबसे पहला काम उसने क्या किया पता है आपको? पहली ऑर्डर निकाले कि इसको तोड़ डालो, और दर्पण महल को तोड़ दिया गया। और उसके बाद केवल ज्ञानी बनने की वहां की जो संभावना थी वो समाप्त हो गई। अरे उसको नहीं जाना था, नहीं जाता तुम दूसरों के रास्ते क्यों बंद कर दिए? और ऐसे बहुत बार लोग काम करते हैं, किसी को सामयिक नहीं करनी, अथन नहीं करनी, मत कर भैया। कम से कम दूसरे की करने की रास्ते तो बंद मत कर। अच्छे करने के जब तुम रास्ते बंद करते हो तो कृष्ण लेशा का काम करते हो। और इसी के आधार पर ये सारा गणित चलता है कि फिर बड़ी डाल तोड़ी तो उसकी नीलेशा, छोटी डाल तोड़ी तो उसकी कपोतलेशा। लेकिन काटता है वो, जब काटता है, काटने का मतलब क्या हो कि वापस वहां पत्ता लगने वाला नहीं, फूल लगने वाला नहीं, फल लगने वाला नहीं, उसकी छाया मिलने वाली नहीं। कोई जड़ से काटता तो पूरा पेड़ निकल जाता है, कोई डाल काटता है तो उतने फूल चले गए, उतने फूल चले गए, वापस आने वाले नहीं। तुम चाहे जो कर लो, डाल वापस लगने वाले नहीं है। इसको कहते हैं कृष्ण लेशा, नीलेशा और कपोतलेशा। अपने परिवार में ये वातावरण ले रहे, अपने संग में ये वातावरण ले रहे। हो सकता है किसी से मेरा मन मिलता है, किसी से मेरा मन नहीं मिलता है, और आप सब जानते हैं। लेकिन मैं संग नहीं तोड़ता, मैं संग नहीं छोड़ता। कई लोगों के मन में विचार आते रहे कि प्रवीण ऋषि समन संग, प्रवीण ऋषि मरते दम तक समन संग नहीं छोड़ पाए। संग तोड़ने का पाप प्रवीण ऋषि कभी नहीं करेगा, सवाल ही नहीं उठता है। मतभेद हो सकते हैं, विचारों में भेद हो सकता है, विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन विचार अलग होने का मतलब ये नहीं कि मैं संग तोड़ू। मैं ये पाप जिंदगी में नहीं करूंगा, सपने में नहीं करूंगा। अरे पाप किसी ने नहीं करना, बाकी सब कुछ मंजूर है। घर में रहते हो तुम, घर में के सबकी हम बात माने थोड़ी जाती है, लेकिन हमारी बात नहीं मानी तो मैं घर थोड़ा तोड़ूंगा। घर नहीं तोड़ना, कभी नहीं तोड़ना, रिश्ता कभी नहीं तोड़ना। संग संग है, मैं आज हूं कल मर जाऊंगा, लेकिन संग अमर है। कोई व्यक्ति जिंदा नहीं रहता लेकिन संग जिंदा रहता है। तो अपने को संग व्यवस्था को चोट नहीं पहुंचानी। यही कृष्ण लेशा का कैरेक्टर, यही नीलेशा का कैरेक्टर, यही कपोत लेशा का कैरेक्टर। तेजोलेशा वाला पेड़ को हिलाता है, झिंझोड़ता है। अब झिंझोड़ता है तो कुछ कच्चे फल गिर जाते हैं, कुछ पक्के फल गिर जाते हैं, उतना फल का नुकसान होता है, लेकिन टेम्पररी नुकसान होता है, वो परमानेंट नुकसान नहीं है। जहां से फल तोड़े अगले साल वहां फल लगेंगे, वो केवल वर्तमान का नुकसान करता है, परमानेंट नुकसान नहीं करता है। और पद्मलेशा वाला पेड़ पर चढ़ कर गए पक्के फल तोड़ता है, वो नीचे के नहीं। और शुक्लेशा वाला जो नीचे फल टूटे हुए उन्हीं को खा करके अपना पेड़ बन लेता है। तो जीवन जीने के अच्छे तरीके, मैं तो दूसरे शब्दों में बोलते रहता हूं इसको, जो गधा मेहनत करता है उसको कृष्णलेशा कहते हैं। अब दो फल खाने ना उसके लिए पेड़ काटने की मेहनत करना मूर्ख है। 2 करोड़ की मेहनत और 2 कौड़ी की कमाई। और शुक्लेशा ना बिना कौड़ी की कमाई की मेहनत करे करोड़ कमा लेता है। तो ऐसा अपना कैरेक्टर चेंज करना अपने को। और ऐसे लेशा के सारे सूत्र है, इसलिए नमस्कार महामंत्र का, नौकार कलश का अनुष्ठान इसलिए कराते हैं कि एक जगह घर में हो कि जहां तुम कभी गुस्से में जाकर के बैठो तो भी वहां साधना के वाइब्रेशन तुमको मिल जाए। कभी दुखी मन से भी वहां जाकर के बैठो तो तुम्हारे साधना के वाइब्रेशन असुरक्षित रह जाए। आज तुम्हारे घर में सारे सेंटर बन चुके, भोग के सेंटर बन चुके, लड़ने के सेंटर बन चुके, खाने के सेंटर बन चुके, लेकिन धर्म का सेंटर कौन सा है? पहले के श्रावकों के घर में पौषशाला होती थी, अब कम से कम एक कोना तो नौकार मंत्र का, जहां आकर के कोई भी बच्चा बैठे तो उसको नौकार मंत्र का वाइब्रेशन मिल जाए।
इसलिए वनोकार कलेश का, उसलिए उत्तराधन के कार्य का, और यही प्रयोग वहां चिचुंडी में, यही वह प्रयोग है। बस बाकी बात चलेगी और कल से दोनों ही बातें शुरू हो जाएगी, अध्याय भी चलेगा। और जिस परमात्मा ने निर्देशना दी है, जिस परमात्मा की कृपा है, जिस परमात्मा के साधना के फल हम खा रहे हैं, तब पे वो मजा हम कर रहे हैं। 11,60,000 मास कौन उन्होंने करे, 12.5 साल तक साधना उन्होंने करी और उस साधना का अमृत हम पी रहे हैं। तो उस परमात्मा की थोड़ी सी गाथा है कि हर साल में चतुर्मास में महावीर गाथा करता हूं, परिश्रम पर्व भी करता हूं, परिश्रम पर्व के बाद भी करता हूं, लेकिन इस बार ये सारा लॉकडाउन का माहौल और लॉकडाउन के माहौल के कारण से वो कार्यक्रम हो नहीं पाया।